तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लांट लाइफ में। और आज मैं हूँ फरीदाबाद में, और फरीदाबाद की मैं एक नर्सरी में आया हूँ जो कि है वर्ल्ड स्ट्रीट के पास। नाम आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाए इस नर्सरी का। और अगर आप इस तरह के प्लांट को डिजाइन करना चाहते हैं, जिसको एक आकार देना चाहते हैं, जैसे कि शिवलिंग का या कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। और वो कैसे करना है इस व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो बस बिना देर किए शुरू क्या करना है, करते हैं चर्चा इस नर्सरी के जो काम करने वाले लोग हैं और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, इस प्लांट के आर्टिस्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। और आप अभी देखो ये क्या है। पौधों को अगर डिजाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से देखो। पूरा एक फ्रेम बनाओ, फ्रेम लगाओ और फ्रेम में पौधा ऐसे, फिर इसको कटिंग करते करते बना दो तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अमेजिंग। तो किस किस तरीके से इसको काटेगा, ओ माय गॉड, शिवलिंग बाबा रे। तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है शिवलिंग को, आप इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाया है ये मेरे को, तो पूरा पहले वायर से शिवलिंग बनाया है, और इस शिवलिंग को और फिर उसी से पेड़ को उस तरह से कटिंग कर करके उसको बनाया गया है। दिस इज अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया मुझे देख के। मतलब ये है कारीगरी, नेचर के साथ आप क्या डिजाइन नहीं कर सकते। आप देखो गजब कॉस्ट है, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी वर्थ है। आप ये देखो, ये सब डिजाइन बनाना आसान नहीं है, लेकिन सब आपको बना बनाया मिल रहा है। तो जिसके पास अगर बजट है तो वो डायरेक्टली नर्सरी से ले सकते हैं। मैं फरीदाबाद में हूँ, और फरीदाबाद में आप वर्ल्ड स्ट्रीट लाइन पे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको नर्सरी मिल जाएगी। और बहुत सारी नर्सरी हैं, ज़्यादातर में ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इस नर्सरी का जो नाम है वो मैं डाल दूंगा ब्लॉग में क्या नाम है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर आप इस चीज़ के शौकीन हैं। तो मुझे शिवलिंग मिला, शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारा बनाया गया। आंटी बोला है, आंटी ये शिवलिंग कितने का है? 8,000 का? अरे 8,000 का है? अच्छा, आकांक्षा ये सब 7,000 के, इनको क्या कहते हैं? नाम नहीं पता आपको? नाम पता है? नाम ना, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। देखो तो पहले ये पिंडी बनाओ, और ये पूरा फ्रेम बनाओ, और फ्रेम पहले वायर का मतलब तार का पूरा फ्रेम बनाना है, फिर पौधा लगाना है। ये देखो पूरा तार बांधा हुआ है, वाओ। ठीक है अम्मा, समझ गया। तो दोस्तों ये है जो नर्सरी का नाम मैं बता रहा था, न्यू एक्जॉटिका नर्सरी, होलसेल प्राइस। आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, होलसेल में भी मिल जाएगा आपको। और अच्छा तो जी, उठाओ अपना फ़ोन और लगाओ नंबर सीधा न्यू एक्जॉटिका नर्सरी का, या फिर आ जाओ सीधे यहाँ पर वर्ल्ड स्ट्रीट और बिग डैडी के बीच में है ये नर्सरी, और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर प्लांट्स हैं, तरह तरह की डिज़ाइन, और कैसे आप देख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है बट अलग ही है, जैसा आप चाहें वो मिल सकता है। चलिए मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।